नहीं कह रहा मेरे लाल तुम मत जाओ जंगल शिकार खेलने के लिए। को समझाइए माँ, अगर यदि इजाजत नहीं दोगे तो जा रहा मैं हाल, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जोर तरादा देगा महाराज जी। अगर उत्तम जहर खाने की धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहा उत्तम को मरने दीजिए। एक लौता पुत्र है, दूसरा नहीं होता। मैं अपने पुत्र को आदेश दे रही हूँ, कहीं ये मर जाएगा फिर मैं कहाँ से लाऊंगी दूसरा, इसलिए मैं अपने पुत्र को आदेश देती हूँ, जाओ मेरे लाल तू जंगल में जी भर के लिए शिकार खेलो। महाराणा जी उत्तम का हथियार देखिए, हथियार यही है खानदानी हथियार, खानदानी। इस हथियार को पहले उत्तम के दादाजी चलाते थे, दादाजी खत्म हो गया। अच्छा, उत्तम के पिताजी चला रहे थे, अब वो बुढ़ा हो गया। अब ना भाई उत्तम कुमार इस समय जवान है। हाँ, जवान है। इस समय ये हथियार उत्तम चलाएंगे जंगल में। यहाँ से बेटा कैसे चलाएगा बताओ। महाराणी जी हमरे लहरे में गिरा। इस समय आप जाइए यहाँ से महल, उत्तम को हम कुछ दूर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन महामंत्री जी मेरे पुत्र को अभी इसी वक्त जंगल ले जाइए। आप जाइए महल तक, कुछ दूर आगे रास्ता में छोड़ आइएगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, 9 बज गया। हाँ जा जाइए, जा है लक्ष्मी जी। रे उत्तम थोड़ी घर छुटल नू रे थोड़ा, मैं देखो ढले ला के ना माय डराई दिल की आ माय ओई बेचारे डर सुटुक। भाई उत्तम चल यहाँ से जंगल चलने की प्रयास कर मेरे भाई। ठीक है भाई। ए धरी ए रे जी 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 अल्ले रे बा छोड़ दीजिए माल से नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए शेर महाराज आप इसे छोड़ दीजिए, आप इसे काहे खाने के लिए दौड़ पड़े हैं। इसने मेरे ऊपर बाण चलाया। अरे आपके ऊपर बाण चलाया ये नहीं जानता होगा, इसलिए आपके ऊपर बाण चला दिया। आप चले जाइए जंगल की तरफ। तू कहता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे भजन सुना। हाँ भजन सुनने के लिए चाहते। ठीक है शेर महाराज आपको हम भजन सुना देंगे, आप चले जाइए। ठीक है चले जाइए आप। हाँ देखिए हे पशु होकर के इतना बुद्धि है,
जानवर होकर के शेर महाराज को जब इतना बुद्धि है, जब तक मैं भजन नहीं सुनूंगा तब तक मैं ये जंगल छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब मैं शेर महाराज को भजन सुना देता, उसके बाद ये चला जाएगा। चला गया लगता है शेर महाराज। कुमार जी, इस जंगल में आप क्या करने के लिए आए थे? देखिए भाई, हाँ, मैं इस जंगल में शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलने के लिए आए थे? हाँ भाई। लेकिन कुमार जी, अभी आपको शिकार नहीं खेलना चाहिए था, बल्कि घर आंगन मेरा आना चाहिए था, गुरु पाठशाला जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई करने के लिए। लेकिन आप जंगल क्यों चले आए? मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं जंगल शिकार करने आया गया। इसलिए आप जंगल चले आए शिकार खेलने के लिए, यही बात है। देखिए कुमार जी, अगर मैं इस जंगल में नहीं रहता तो ना जाने आपको प्राण नहीं बचता, इसलिए अब तो मैं प्राण को बचा दिया हूँ। अब जो ये दाएं साइड का रास्ता देख रहे हैं, बिल्कुल ये शहर की तरफ चला गया है, और ये बाएं साइड का रास्ता जंगल की तरफ चला गया है। हर ये दाएं साइड का रास्ता पकड़ लीजिए, चले जाइए अपना शहर की ओर। मैं भी जा रहा हूँ, अपने झोपड़ी में बैठ करके भगवान का गुणगान करूंगा। जाइए कुंवर जी। नहीं दोस्त, रुको तुम। क्या हुआ? तुम वैसे मत जाओ, तो मुझसे दोस्ती कर लो। दोस्ती? हाँ दोस्त। देखिए कुंवर जी, दोस्ती से एक बराबर बराबर में होती है। कहाँ आप राजा महाराजा का पुत्र है, कहाँ मैं एक भिखारी हूँ, क्या ये दोस्ती जमेगा? बिल्कुल नहीं जमेगा। जाइए आप कहीं राजा महाराजा से दोस्ती कर लीजिएगा, आपको दोस्ती जम जाएगा। नहीं भाई, मैं आपसे दोस्ती करूंगा। क्या? आप ही से दोस्ती करूंगा। ठीक है कुमार जी, सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या हो? मेरा नाम उत्तम कुमार है। उत्तम कुमार हुआ, और आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर उत्तमपुर शहर हुआ। और आपका पिताजी का नाम क्या? मेरा पिताजी के नाम है राजा उत्तमपाल सिंह। राजा उत्तमपाल सिंह। हे कुमार जी, मैं दोस्ती लगाने के लिए नहीं चाहता हूँ, इसलिए अगर मैं रात खाता हूँ तो दिन के लिए सोचना पड़ता है, अगर मैं दिन खाता हूँ तो रात के लिए सोचना पड़ता है। दोस्ती लगाने से क्या फायदा, जब हर दिन तक बचपन से लेकर के इतना बड़ा हो गया इस जंगल में, हर दिन तक हमें कोई भाई कह करके संबोधित नहीं किया, जब आज आप हमसे मिले हैं तब बेर बेर हमें भैया कह करके पुकार रहे। इस जंगल में मेरा आत्मा ही जुड़ा गया, हकुमर जी मेरा आत्मा ही जुड़ा गया। आगे कवा होना सुना लागे मैया का, जंगल
दादा।